अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मेरे पास ये एक कुर्ती है, तो ये देखिए मैंने मेरे पास इसका कैटलॉग पड़ा हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ कि उसके ऊपर जो डिज़ाइन बना हुआ है तो वो एम्ब्रॉयडरी से बना हुआ है, और इस कुर्ती के ऊपर एम्ब्रॉयडरी नहीं है। फ्रंट पे कोई मोटिव नहीं है, कुछ नहीं है। बस साइड में उन्होंने एक पट्टी सी दी हुई है, तो वो मैंने कटिंग करके निकाल ली है अलग से। तो वो पैचेस मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि वो कैसे हैं। ये देखिए, ये पैचेस हैंगे जिसमें साइडों में लगे हुए थे। तो मैंने ही सोचा कि इसको किस तरीके से बिल्कुल इसी डिज़ाइन का किया जाए जैसे कि कुर्ती में दिखाई दे रहा है, जैसे कि तस्वीर में दिखाई दे रहा है, सॉरी। तो ये देखिए, ये मैंने 4 इंचेस की जो है एक इसकी पट्टी काटी है, और ये जो दोनों साइडों से जो निकली हैं पट्टियाँ, ये दूसरे कलर की हैं। अगर ये नहीं लगाएंगे तो ये फिर इन्हेंस नहीं होगा डिज़ाइन जो है। देखिए, इस तरीके से बिल्कुल ये पट्टियाँ इसके साथ जोड़ दी जाएंगी, बिल्कुल इस तरह से सिलाई कर दी जाएंगी। देखिए, कुछ किसी हद तक हमारा डिज़ाइन जो है इसकी तरह लग रहा है। ये देखिए, ये मैंने पट्टी तैयार की है। तो ये पट्टी मैं बिल्कुल फ्रंट साइड पे इस तरह से रखूँगी। जितनी भी आपने लंबी रखनी है, जितनी शॉर्ट रखनी है, तो आपकी मर्ज़ी, आप उस तरह से कर लें। तो मैंने ये इतनी लंबी रखी है क्योंकि ये ऊपर से गले के पास से ही कट जाएगी लंबाई इसकी। तो अब मैं गला तैयार करती हूँ। तो ये बिल्कुल ऐसा गला तैयार करूँगी जैसा कि आपको कुर्ती में दिखाई दे रहा है, ताकि हमारा डिज़ाइन कुर्ती के जैसा बिल्कुल लगे जैसे पिक के अंदर मौजूद है। ये देखिए, ये इसकी फाइनल लुक है। इसमें स्लीव्स जो हैं वो बेल बॉटम दी हुई थी, और गला इस तरीके से दिया हुआ था, और मेरे पास जो है नगों वाली बेल पड़ी थी जिसको मैंने कट करके जो है इसमें लगाया है। मैं आपको दिखाती हूँ क्लोज करके बिल्कुल। ये देखिए, इसमें मैंने नग लगाए हैं कटिंग करके। ये मेरे पास बेल जैसी थी, मैं आपको बेल भी दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके की बेल थी, तो मैंने कट करके ताकि इसमें थोड़ी सी शाइनिंग सी आए। तो अगर आपको मेरा डिज़ाइन बनाया हुआ पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि ये कैटलॉग के जैसा बना है या नहीं बना है, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।